जुड़ी और आपका आजुड़ी स्वागत है। आज जुड़ी हम लेकर आए हैं वो है एक मूवी का टीजर जिसका टाइटल है स्वतंत्र वीर सावरकर ऑफिशियल टीजर। और अगर बात करें इसकी स्टारकास्ट की तो स्टारकास्ट में है रणदीप हुडा और आनंद पंडित हैं। और भाई अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्ट भी इसको रणदीप हुडा ने ही किया। और अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें इसमें आनंद है, रणदीप है, संदीप है, सैम है और योगेश है। तो चलिए देख लेते हैं इस मूवी का टीजर। लेकिन से पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आजादी की लड़ाई 90 साल चली पर ये लड़ाई सिर्फ कुछ ही लोगों ने लड़ी थी, बाकी सब तो सत्ता के भूखे थे। गांधी जी बुरे नहीं थे, लेकिन अगर वो अपनी अहिंसावादी सोच पर अड़े नहीं रहते तो भारत 35 साल पहले ही आजाद हो जाता। मूल्यवान तो सोने की लंका भी थी, लेकिन अगर बात किसी की स्वतंत्रता की हो तो रावण का राज हो या ब्रिटिश राज, दहन तो होके रहेगा। भाई टीजर जो है वो विनायक दामोदर सावरकर जी जो हैं उनकी जो है बायोपिक है, लेकिन जो है रणदीप जी की अगर मैं बात करूँ जिस तरह उनका एक बॉडी का आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो उन्होंने अपना तकरीबन सारा वेट ही लूज कर दिया है इसके लिए। वेल मैं कहूँगी कि बहुत ही प्रॉमिसिंग आपको टीजर नजर आ रहा है, क्योंकि एक तो जो डायलॉग्स हैं और बीच में कुछ ऐसी नई बातें जो एक तो हम लोगों को इतना आइडिया नहीं था इनके बारे में, लेकिन ये कि मूवी में जब आप देखते हो तो आपको काफी सारे नए जो चेहरे आपके सामने हाँ। आते हैं, आपको अपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पता चलता है। सो जैसे बीच में बोला भी गया कि लाइक जो भगत सिंह जी थे वो इनसे इंस्पायर्ड थे, फिर सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, एक दो नाम और भी लिए गए, खुदीराम हाँ, उनका मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं मालूम। ये चीजें हैं कि आप कुछ नया लोगों को बता रहे हो और जो आपके फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में बता रहे हैं। एंड आई थिंक ये ऐसी मूवीज हैं ना, मुझे लगता है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को इकट्ठी देखनी चाहिए, क्योंकि प्री पार्टीशन में आपके जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो एक ही थे, लेकिन जो डायलॉग्स हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे। जैसे ही टीजर स्टार्ट होता है उन्होंने बोला कि वाकई में मतलब उस टाइम के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो जो जंग चली भी थी उसको लड़ा कुछ ही लोगों ने था, बाकी जो लोग थे वो तो वाकई में अपनी पॉलिटिक्स में पड़े हुए थे, अपनी पावर में पड़े हुए थे। यार बेसिकली अगर आप देखें ना तो उस टाइम जो लोग जो थे जो वाकई फ्रीडम फाइटर्स थे ठीक है ना, उन्हें जो है अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो ब्रिटिश राज में या तो उन्हें जेलों में डाल दिया गया था या जो है उन्हें जो है शहीद कर दिया गया था ठीक है ना। लेकिन वाकई में कोई शक नहीं कि बहुत सारे लोग उस टाइम ऐसे भी थे जो सिर्फ पावर के लिए कि ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो सिर्फ उनके हाथों में जो है आना चाहिए, किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। तो ये चीज़ जो है वाकई फ़र्क करती है कि भाई किसने क्या रोल प्ले किया। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई कि क्या नाम लेते हैं जो पॉलिटिक्स कर रहे थे वो गलत थे या जो नहीं थे कर रहे वो नहीं थे गलत। हर बंदा अपना अपना जो है कहीं ना कहीं जो है एक रोल जो है उस टाइम एक प्ले कर रहा था, क्योंकि अगर हम देखें पार्टीशन से पहले और पार्टीशन के बाद भी अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स की वजह से बहुत सारे काम जो है वो इस तरह के हुए जिससे जो है आज की आपको दुनिया देखने को मिलती है। वेल मैं ये बोलूंगी कि जो लोग वाकई में सिंसियर लोग थे ना उन लोगों को हटा दिया गया था, मतलब वो बहुत कम टाइम के लिए आपको नजर आए। मतलब जितने भी हम लोग एक्चुअली में जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बारे में अगर बात करें मुझे लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा आगे आने ही नहीं दिया गया ब्रिटिश टाइम के मतलब उस सिचुएशन में अगर हम बात करें, क्योंकि कुछ ऐसा मतलब उनके अगेंस्ट प्लॉट किया गया कि उनको आपको देखा गया कि या तो जैसे मोदी ने बोला कि नजर आता है कि जेलों में डाल दिया गया, या फिर आपको ये नजर आता है कि इस तरह के हालात बना दिए कि वो कभी आपको दोबारा नजर ही नहीं आए। और भाई इधर रणदीप हुडा जी के बारे में बात करूं, बहुत ही फाइन एक्टर हैं, अभी भी अगर हम लोग बात करें उनके फेस एक्सप्रेशन की बात करें, उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है कि उन्होंने एक करेक्टर ये प्ले किया। इससे पहले मैंने सरबजीत वाली मूवी देखी थी, सीरियसली उसको देखकर आप
रोते हुए इतना ज्यादा रोना आता है। इनफैक्ट हमारे घर में मैंने नहीं वैसे देखी हुई है, मतलब अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ। सो आई एम श्योर कि ये मूवी भी बहुत अच्छी होने वाली है। अच्छा, जो लास्ट में डायलॉग था, क्योंकि उससे पहले वाला जो फ्रेम हमें नजर आता है उसमें नजर आता है कि भाई किस तरीके से जो उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, फिर उसके बाद जो लास्ट फ्रेम है उसमें मुझे एक चीज नहीं समझ कि मुलेवाल या मुलनवाल तो लंका, मतलब जो सोने की लंका भी थी, मतलब इसका क्या मतलब है। और एक्चुअली एक चीज नजर आती है कि आप जब सुनते हो ना, मतलब पास्ट की बातें सुनते हो फ्रीडम फाइटर्स की, तो एक चीज वाकई में मतलब जो समझ में आती है कि वो लोग बहुत ज्यादा एक स्वतंत्रता पे फोकस करते थे, और वो ही मतलब वो लोग ये आजादी पे बहुत ज्यादा, हाँ, कि सही मायने में जो आजादी है ना वो उसके बारे में बात बिल्कुल। अच्छा, वैसे मैं जो है इसे टीजर में जो है ना जो सबसे ज्यादा इम्प्रेस है, नो डाउट एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उन्होंने जो है ना एक अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है जो है सवारकर जी जैसी लुक लेने के लिए, ठीक है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे जो है बहुत ज्यादा जो है इम्प्रेस किया उस ट्रांसफॉर्मेशन। अभी ट्रेलर आएगा तो वो भी हम आपके साथ बैठकर जरूर देखेंगे, और इसी के साथ हमें जॉल मार्वल लाइक सब्सक्राइब शेयर गुड बाय।